सो गाइस वेलकम टू उज्जैन महाकाल कॉरिडोर। अभी मैं आपको उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर दिखाने वाला हूं, तो आप इस व्लॉग को कम्प्लीटली जरूर देखें। आई होप अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं। सो गाइस अभी हम हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। और फिलहाल अभी हम हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से रिटर्न होने वाले हैं छोटा के लिए हरिद्वार। और अभी हरिद्वार से हम जाने वाले हैं रिटर्न, क्योंकि हमें लगभग 10 दिन का हमारा टूर था, 9-10 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम कोटा रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और हरिद्वार से हम बैठे थे, अब जाके पहुंचे हैं कोटा रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से हम ट्रेन पकड़ के दूसरे वाली ट्रेन से हम छबड़ा की ओर निकलेंगे। अब सो गाइस आज मैं मेरी लाइफ में पहली बार रुठियाई जंक्शन पर उतरा हूँ और यह है रुठियाई जंक्शन, और आज हम यहाँ से जाने वाले हैं हमारी आगे की जर्नी के लिए। सो गाइस ये है रुठियाई जंक्शन और यहाँ से मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इस स्टेशन पर आया हूँ, जबकि हमारे काफ़ी नज़दीक में है। और यहाँ से हमारा अगला टूर रहने वाला है दोस्तों, जो कि रहने वाला है उज्जैन के लिए। तो उज्जैन महाकाल की नगरी में हम जाने वाले हैं। उज्जैन हम पधार चुके हैं दोस्तों, और उज्जैन पे अब जाने वाले हैं महाकाल के दर्शन करने, लेकिन उससे पहले हम जाने वाले हैं नहाने के लिए। तो पहले करते हैं हम स्नान, उसके बाद में हम उज्जैन में आपको महाकाल के दर्शन कराने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। उज्जैन रेलवे स्टेशन से हम बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर अब हम पकड़ते हैं किसी ऑटो को और चलते हैं भाई आगे की ओर। काफ़ी थके हुए हैं यार, लगभग अराउंडिंग हमें 10-11 दिन हो चुके हैं घूमते घूमते, और फिलहाल हमारी यात्रा ख़त्म नहीं हुई है। तो हम उज्जैन शहर नगरी में पहुँच चुके हैं, महाकाल की नगरी। जय महाकाल। तो गाइस आज हम पहुंचने वाले हैं महाकाल, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में, और फिलहाल जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर फंसी हुई है। तो आज मैं आपको घुमाने ले चलने वाला हूं महाकाल मंदिर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और ये देखिए मार्केट का व्यू। सो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी तेज गर्मी है और पसीने में भी हम भीग रहे हैं, और यहाँ से जाने वाले हैं अभी हम शिप्रा नदी, जो कि उज्जैन से शिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो फिलहाल शिप्रा नदी के हम दर्शन करते हैं, वहाँ से हम जाएंगे मंदिरों के दर्शन करने। तो आज का ये ब्लॉग आप हमारा कम्प्लीटली ज़रूर देखें, आई होप अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये जो नगरी है ये कालिदास की नगरी, यहाँ फिर सम्राट विक्रमादित्य की नगरी के नाम राजधानी के नाम से जानी जाती है, जो कि आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। आई होप आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइस ये है शिप्रा नदी के ऊपर बना हुआ पुल, और यहाँ पर बहती है शिप्रा नदी, और आज हम शिप्रा नदी में डुबकी लगाने वाले हैं। फिलहाल मूड बन रहा है कि हम तैरने की तैयारी करते हैं, और अगर मौका मिलता है तो हम तैरने का भी तैयारी करेंगे, और तैरने के साथ साथ फिर हम यहाँ पर
महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। वैसे मेरी भीड़ थोड़ी बढ़ चुकी है एक्चुअली, हमें ट्रैवलिंग करते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है, अराउंडिंग 10-12 दिन हो चुके हैं, तो उस स्थिति में भीड़ बढ़ती हुई हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए मिलते हैं अगली बार, आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये है यहाँ पर नरसिंह घाट, और नरसिंह घाट पर हम जाते हैं और यहाँ से स्नान करते हैं। तो ये है दोस्तों नरसिंह घाट, और यहाँ पर अब हम स्नान करते हैं। बड़ा दिन के बाद स्विमिंग पूल में लंबो आओ। थोड़ा सा साबुन लगाते हैं, थोड़ा देर चालू कर दी मैंने वीडियो, चालू कर दी मैंने। चलो पार चलो। सो गाइस, आज हम शिप्रा नदी पर तैरते हुए फिलहाल उज्जैन शहर में हम घूमना है थे, गंगा का स्नान करने के बाद हम इधर आए हैं। तो चलिए आज हमारा तैरना स्टार्ट करते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर। चलिए हर हर महादेव। ठकरे नहीं ठकरे पाँव, हाँ पाँव ठकेगा। ओए गड़बड़ रहा है, मेन पटरी। बटरफ्लाई देखिए दोस्तों, आज मैं आपको तैरना सिखाने वाला हूँ। अबे वीडियो मत काट दिए, निकाल रहे हो नहीं? हाँ देखिए, यह है बटरफ्लाई। तू अटको अभी मैं। बंद कर लूं? आपको तैर बंद कर दूं क्या? बंद कर दे, बंद कर दूं, कर दे। मैं कहाँ से होगी? यही पता है, पता है। दबा दे ये बीच को लाल। सो गाइस, मैं आपको शरीर का बैलेंस बनाना दिखाता हूँ, नदी भी कैसे बनाया जाता। एक मेरी भी बनाना ना, वो आ रही थी तो साथ में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए यहाँ से अभी हम ऊपर की ओर चलते हैं। सो गाइस, अभी हम शिप्रा नदी में नहाने के बाद अब जा रहे हैं उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने, महाकालेश्वर मंदिर पर अभी फिलहाल जाते हुए। और आई होप अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। यहाँ से दोस्तों महाकाल मंदिर के दर्शन कर के जाने का रास्ता है, तो अभी हम महाकालेश्वर की ओर जाते हुए। ये है मनोकामना सिद्धि हनुमान मंदिर, और यहाँ से आगे की ओर महाकाल मंदिर की ओर जाते हुए, ये रास्ता है महाकाल मंदिर की ओर जाने का। विक्रमादित्य, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं दोस्तों महाकाल मंदिर की ओर फर्स्ट टाइम।
सो महाकाल दर्शन की ओर जाते हुए यह है महाकाल मंदिर में जाने का रास्ता। यहाँ से दोस्तों महाकाल मंदिर की ओर जाते हैं और इधर एग्जिट गेट है। मंदिर में है कला। जय महाकाल। सो गाइस मोबाइल कैमरा DSLR सब यहाँ जमा हो जाएगा, तो हमारा DSLR मोबाइल सब यहाँ जमा कराना पड़ेगा और वीडियोस हमारी अब बन नहीं पाएगी आगे की। सो गाइस ये है महाकाल मंदिर का सीन जो कि बैक एंड एरिया में कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। फिलहाल अंदर की ओर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए आप अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकते, लेकिन बाहर से आप व्यू देखिए, बहुत ज्यादा शानदार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो गाइस ये देखिए आप मंदिर, यहाँ पर ये है भारत माता का मंदिर जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इधर भारत माता का मंदिर है और यहाँ पर महाकालेश्वर भक्ति निवास जो कि मानव सेवा न्यास उज्जैन द्वारा बनाया गया है। और यहाँ से हम आगे की ओर चलते हैं और आगे के व्यू एंड नज़ारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। नीलकंठ द्वार, और यहाँ से आप ये देखिए आगे का सीन। इधर आ वल्लम, दो मेंबर छोटी गाड़ी से डिजायर भेज देंगे अपन 2750 है। सो गाइस ये है उज्जैन महाकाल कॉरिडोर जिस पर अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं, और यहाँ का व्यू मैं आज के इस ब्लॉग के अंदर आपको बताने वाला हूँ क्योंकि आज हम आए थे उज्जैन महाकाल के दर्शन करने। तो अभी मैं यहाँ के व्यू आपको दिखाता हूँ किस टाइप से देखने को मिलता है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्या हुआ क्या हुआ? सो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, और इधर देखिए शिव जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा शानदार है। दोस्तों फिलहाल आज मैं आपको जिस कॉरिडोर दिखाने वाला हूँ उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यार इधर ना, यह है कॉरिडोर जो कि हमने पूरा कंप्लीट व्यू आपको बताया है, काफी शानदार यहाँ पर बना हुआ है। इधर हम आपको साइड में दिखाते हैं।
बहुत ज़्यादा शानदार व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। देखिए बहुत ही तगड़ा व्यू है और कॉरिडोर बहुत शानदार बना हुआ है। यहाँ पर आप व्यू देखें, तो दोस्तों रात के समय यहाँ लाइट जलने के बाद जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा शानदार व्यू आपको इस जगह पर देखने को मिलता है। और ये है महाकाल मंदिर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।